मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग और बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तलवारें खिंच गई है। जुबानी वार पलटवार से एक दूसरे को मात देने की पुरजोर कोशिश जारी है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माने राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला है। राजधानी भोपाल में गोविंद सिंह बीजेपी के सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी जुबानी तीर चलाए और उसे राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन बता दिया। आरएसएस पर कांग्रेस के हमले पर भला बीजेपी कैसे चुप बैठती। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने पलटवार किया कि गोविंद सिंह को आरएसएस के बारे में बोलने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्रकारी संगठन है, आरएसएस माने हम तो पशु से ही कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माने राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन, ये षड्यंत्र फैलाने का काम करते हैं। आरएसएस के बारे में बोलने के लिए उनको कई जन्म लेना पड़ेंगे, उनको कई जन्म लेना पड़ेंगे। वो अभी इतने बड़े नहीं कि आरएसएस के बारे में बोल पाए। और मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूँ कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं उनको बोलना है, ये उसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कांग्रेस नेता ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस की ओर से आरएसएस को लेकर जब जब बयान आए तब तब सियासी पारा चढ़ा है। अब जब बुधनी और विजयपुर उपचुनाव का अखाड़ा सजा है तो बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ साथ आरएसएस पर सवाल खड़े करने से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।